ABPS News। सरकार के अनदेखे व गाँव के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गाँव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को ABPS News के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत ABPS News टीम का अगला पड़ा जनपद बदायूं के ब्लॉक आसापुर में स्थित संग्रामपुर गांव पहुंचा। इस गांव के दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर है। लगभग 6000 की आबादी व 4000 वोटरों द्वारा साबिका बेगम को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 786 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो गांव में प्राइमरी पाठशाला में लगभग 196 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 4 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 300 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं 60 सोलर लाइटें भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 12 सीसी टाइल्स रोड, 6 खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 65 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवासों का भी गांव में निर्माण कराया गया है। ABPS News टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, 20 सीसी टाइल्स रोड, 15 खडंजे, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, कन्या इंटर कॉलेज, पानी की टंकी, शमशान घाट व कब्रिस्तान की बाउंड्री, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 15 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान पति मोहम्मद समीर, ग्राम पंचायत संग्रामपुर, ब्लॉक आसापुर, तहसील बिसौली, जिला बदायूं। मैंने अपने ग्राम पंचायत में, हमारी ग्राम पंचायत में 2 साल के अंदर 10-12 सीसी करा दी, 10-15 खंजे भी करा दिए और गवर्नमेंट से 65 करीब शौचालय भी बनवा दिए और हमारे यहाँ कोई भी शौचालय के लिए सोच के लिए बाहर नहीं जाता और हमने कुछ अपने प्रयास से भी पूरे किए। गाँव लोगों को समझा कर उन्हें तैयार करके सब बना दिए और हमें कोई ऐसी ही अगर हो सकता हो तो 10-15 शौचालय मिले और देखने बन जाएंगे। शौचालय की कोई ऐसी यहाँ परेशानी नहीं। हमारे यहाँ कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं हो पाई, हमारे यहाँ बारात घर नहीं है, हमारे यहाँ कोई कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ शमशान घाट के लिए भूमि नहीं है, जो दिक्कत है। और हमारे यहाँ NM सेंटर है वो मरम्मत के लिए भी है, पंचायत घर है वो भी मरम्मत के लिए है। अब हमें इतना पैसा नहीं मिल पाता जिससे हम सभी काम एकदम मतलब कराए जाएँ। हमें पैसे की बहुत आवश्यकता है गांव के लिए। कुछ हमें पानी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की है। पानी हमारे यहाँ सही नहीं है, बहुत ख़राब पानी है, जिससे एक टंकी लगे जिससे गाँव वालों के लिए बीमारी से बचने के लिए एक टंकी लग जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। और हमने करंजे नाली ये तो काफ़ी हैं और करीब 15-20 गली लगभग और रह गए हैं। कुछ सीसी के लिए हैं, कुछ खरंजों के लिए हैं। अगर पैसा हो तो ऐसे कमी की वजह से काम नहीं करा पाते। हम सही रहमत है, मैं ग्राम संग्रामपुर का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ जो साधका बेगम प्रधान हैं उन्होंने अपने प्रयास से बहुत काम कराया है और जैसे सीसी पूरे गांव में लगभग बहुत हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत बाकी रह गई हैं और उनके लिए कुछ काम नहीं हो पाता। और हमारे यहाँ जैसे पंचायत घर है, अस्पताल है, इसमें कोई मरम्मत नहीं होती, सब ऐसे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। और यहाँ पानी की बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत दिनों से लोग ग्राम पंचायत सब कहते हैं कि प्रधान जी करिए, लेकिन वो भी ऊपर तक खोलते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं। पानी की टंकी की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो पानी लोगों को परेशानी जो ख़त्म हो। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है और
बाकी कई काम है, जैसे शौचालय प्रधान जी ने भी काफ़ी बनवाए हैं और लोगों ने प्रयास करके सब अपने अपने घरों में बनाए और लगभग बन ही चुके हैं। लगभग पूरा गांव जो है कोई सोच से बाहर नहीं जाता और सोच के लिए बाकी सब घर पर ही रहते हैं, सब लोग बैठे बन चुके हैं और बच्चों लड़कियों के स्कूल पढ़ने के लिए कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पे, जो जाएँ बहुत दूर के जैसे बिसौली है तो बहुत कम है, 12-14 किलोमीटर दूर है, लड़कियों कहाँ से लग जाए, ये व्यवस्था बिल्कुल नहीं है।